नर्स का और लोअर मिडिल ऑर्डर का बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न रहा है, नॉट इन द वर्ल्ड कप बल्कि शुरू के मैचेस में भी, एशिया कप में भी, एशिया कप से पहले भी, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाके खेले, जब हम इंग्लैंड जाके खेले, श्रीलंका जाके खेले, हमारा इशू रहा है। आज आपको क्या लगता है कि आज अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा? यार आज वो कहते हैं ना कि हर चीज जबरदस्त होने वाली है और हर चीज में एक और हमारे दोस्त आ गए हैं। अरे भाई 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 भाई, क्या हाल है? लारे फाले, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद भाई। देखिए उम्मीद लेके आए, उम्मीद लेकर आए और सर नेवर लूज होप, बस यही बात हम कर रहे हैं कि यार अभी मैच बाकी है, 50 ओवर रहते हैं, पूरा मैच बाकी है। बस वो एक चीज है ना, वो कैचेस विन मैचेस, वो हम पे लागू नहीं होता, पर ये इंशाल्लाह ताला लेट्स सी क्या होता है। क्यों नहीं लागू होता लारे? इतने कैचेस आज ड्रॉप हुए हैं, आपको क्या लगता है? सर पहला वाला कैच इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके बाद तो मोमेंटम बन गया था ऑस्ट्रेलिया का, मगर ये है कि पहला मैच था, प्रेशर होता है, आप ग्राउंड की फील ही अलग होती है और टेबल टॉक अलग होती है। बट लेट्स सी कि मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ कि पाकिस्तान ने जब हाईएस्ट रन चेस किया वर्ल्ड कप में, तो ये अपना ही टारगेट सरपास कर जाएंगे और इंशाल्लाह ये चेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले 20 ओवर भले थोड़ा सा रन रेट कम हो बट लॉस ऑफ विकेट नहीं होना चाहिए, तो विकेट से होना चाहिए। बट ये कि हमारे को हमें स्ट्रैटेजी ये रखनी चाहिए कि जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने एक फ्रंट फुट पर आगे खेला है और इसी तरीके का प्रेशर पाकिस्तान भी दे। और इमाम उल हक का जो है ना, वो आज का दिन यही है कि जितनी उन पे तनकीद गई है ना, तो वो आज पेपर पे वो रब ऑफ करें और बोले कि नहीं भाई आई एम। आप कुदरत मौके कितने दे रही है इमाम को कि फखर की बात हो रही थी, फखर की नी इंजरी हुई और फखर की बात बिल्कुल बंद हो गई और इमाम को एक और मौका मिल गया। अभी भी इमाम अगर, हालांकि वो वनडे में अच्छा, उनका एवरेज देखें बड़ा जबरदस्त है, 50 प्लस की एवरेज है, सही बात, लेकिन है। उसके बावजूद अब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ना होना तो फिर कहां परफॉर्म करना, सही बात है, ना गली में कर सकते हो ना घर में कर सकते हो। इतना बड़ा ये इवेंट है, अगर यहाँ पे भी हम जो है वो नहीं कर पाएंगे तो व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब वर्ल्ड कप के बाद और क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा है यार हाईएस्ट चीज आज होने वाला है, इंशाल्लाह अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा ना, इंशाल्लाह पहला बनाया है तो तोड़ने का भी राइट रखता है, अपने स्टेटमेंट होगा एक बहुत बड़ा सारी टीम्स के लिए, बिल्कुल कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है। चल आज